ये लीजिए, मेरे को पता नहीं था कि बच्चे यहाँ पे दो तीन है, सॉरी उसके लिए। तुमने गलती बोल दिया, बच्चे तो दो है लेकिन उससे भी बड़े बच्चे हैं जो वो रहने नहीं देंगे। ओके बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। और मायरा अभी आ गई है ट्यूशन से, और मायरा को क्या मिला है अभी? चॉकलेट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, सो के उठे, वीडियो पोस्ट करके एडिट करके सारा फ्री हो गया, लड्डू आ गया मेरे साथ में, गुड मॉर्निंग। और आज मम्मी का काम कौन कर रही है? दीदी। ये देखो, पूरा कटहल छील के दम रख दिए, इतना सारा कटहल छीली है, अब पूरा कुआ वाला, इतना बड़ा बड़ा कुआ है देखो भाई। आज लग रहा है फिर से चलने वाला पानी भात, क्या भाई? भात बना रख देना, हाँ पानी भात, सभी कोई सारा लोग खा लेंगे, सारा लोग ने खाया, कुछ कुछ आदमी जरूर खाया, इतना पसंद है सभी को का पानी भात। हम तो भाई सच बता रहे, पसंद हो या ना, लेकिन गर्मी के लिए ना बहुत बेस्ट चीज है ये है कोवा, इसको करेंगे टेस्टी, बढ़िया है। कटहल का छिलका तो निकल के अच्छा से गाय को खिला दिया, वो होने के बाद मिल गया भाई माड़ भात। बढ़िया। तो दोस्तों घर में थे, अभी थोड़ा नहा के फ्रेश होकर के भाई का दुकान आया है। ये देखो छुप छुप के बंटी भाई आम खा रहा है, बड़े भैया उधर कस्टमर से किसी से बात कर रहे पता नहीं, और मैं लाया हूँ घर से आम इतना सारा काट के, वो भी दशहरी आम है, सबसे मतलब यूनिक आम होता है ये दशहरी आम, पूरा मीठा होता है ना, बंगाल का नामी, बंगाल का, और ये आया है पंजाब से। हम लोग तीनों थोड़ा थोड़ा खाएंगे, उसके बाद आज दुकान देखें फाका तो कुछ ना कुछ चालू कर रखना ही पड़ेगा ना। और आज मैं जा रहा हूँ मम्पी दीदी राहुल भैया के घर जाऊँगा आज, तो इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सब्र करना होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, बाकी मैं फ्रेश होऊँगा उसके बाद निकलूँगा। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल रेडी हो गया हूँ, निकल रहा हूँ राहुल भैया मम्पी दीदी के पास, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ भैया के पास, देखता हूँ कुछ यहाँ इधर से मैं ले लेता हूँ सामान, क्योंकि मायरा है ना उसके लिए चॉकलेट ले लूँगा, कौन सा चॉकलेट खाएगी पता नहीं, बट दुकान जाने के बाद जो अच्छा लगेगा ले लेंगे। फिलहाल मैं अभी निकलता हूँ, स्कूटी चार्ज हो गया मस्त 100%, अभी निकालना है उसको गैरेज से। फिलहाल दोस्तों पसीना से पूरा भींग गए हैं और स्कूटी निकाल लिए, ये देखो 100% है, 105 किलोमीटर चलेगा, शटर से यहाँ पे अंशु लॉक कर दो, ठीक है, इधर भाई जाएगा दुकान, अभी मैं निकल रहा हूँ भैया के पास, उससे पहले मिठाई खरीदना है, मिठाई यहीं से ले ले, नहीं उधर ही ले लेंगे सोचते, उधर आपको दुकान देखा हुआ नहीं है, झूठ मूठ का गाड़ी घुमाते रहोगे, पता चला कल वाला सीन हो गया है। अच्छा ठीक है, एक बार बात करते हैं भैया से पहले। तो दोस्तों घर से निकल चुके हैं, बस हावड़ा के करीब में है, आपको हावड़ा ब्रिज दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है ना भाई, इसलिए कैमरा कहीं करना अलाउ नहीं होता है, ताकि ट्रैफिक पुलिस कब जानते ही, बहुत मुश्किल से भाई टॉलीगंज पहुँचे हैं, और यहाँ पे सनी मिला, देखो सनी रहता है टॉलीगंज में, तो यहीं पे इसके थ्रू मैं टॉलीगंज अच्छे से पहुँच पाया हूँ, बस मम्मी दीदी का बिल्डिंग मुझे दिख रहा है और राहुल भैया का शायद मेरे को देख रहे क्या। यहाँ पे है मिठाई का दुकान, कुछ यहाँ से मैं खरीदूँगा मिठाई, और मायरा के लिए चॉकलेट खरीदना है, और सनी को मैं उधर से आने के बाद ट्रीट दूंगा। पहले उस बिल्डिंग में अपने को जाना, ये देखो कितना खतरनाक बिल्डिंग है भैया, मतलब सच बता रहे भाई, उनका इमेज ही अलग है, खतरनाक बिल्डिंग लग रहा है। कितना फ्लोर हो गई इसमें? 20 से होगा हमको लगता है, 20 से ज़्यादा। देखो भाई मस्त जगह में मैं पहुंचा अभी टॉलीगंज में, मज़ा आ गया, लेकिन मेरे को लग गया करीब 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है ना, इसके वजह से थोड़ा सा लग गया टाइम। अभी मैं ले लेता हूँ फटाफट कुछ मिठाई, थोड़ी पीती है तो थोड़ी ना थकले किच हो ना भाई, बंगाली मुझे नहीं आता, ठीक है मैं सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा है ना, बस सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मिल गया मुझे ये मिठाई भाई, मिठाई तो ले ली है, बस मायरा के लिए थोड़ा चॉकलेट ले लेते हैं, ये बिल्डिंग में जाना है अपने को। फिलहाल दोस्तों मैं मायरा के लिए ले लिया हूँ एक बड़ा सा कैटगरी, चलो अब चलते हैं, चलो अंदर चलते आ जाओ। फिलहाल दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपना डेस्टिनेशन, भैया है साथ में, हेलो भैया कैसे हैं? मस्त है, बस अभी आप बस तो आप लोग का दुआ और कुछ नहीं, चलो भैया के पास अब चलते हैं।
फिलहाल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं भैया के पास। पता है ये घर इतना सुंदर है ना, उनसे ज्यादा सुंदर तो भैया है। मायरा ज्यादा खूबसूरत है, मम्मी खूबसूरत है, हम लोग तो लड़के हैं यार। वो तो अलग बात है। लेकिन भैया भी बहुत अच्छा है। ये जो क्या दवन गजब का होटल है भाई। होटल नहीं, घर है। घर गजब का। अरे भाई अलग लेवल का था। लेकिन दीदी आ रही है, कुछ उनका शूट चल रहा था, अभी आ रहे हैं। आने के बाद दिखाता हूँ मैं दीदी से, इंट्रोड्यूस कराता हूँ। भैया से तो मिले हुए हैं बट दीदी से मिलेंगे पहली बार। और इतना बड़ा टीवी लगा के रखे भैया, ओह माय गॉड। और उधर तीन तीन सिल्वर प्ले बटन, एक गोल्ड प्ले बटन। भाई यूट्यूब का तो स्टार भैया ही है, समझ लो। भैया नहीं तो यूट्यूब कुछ नहीं है। और दीदी का जितना तारीफ करो उतना कम है भाई। अभी मैं दीदी से मिलवाता हूँ मैं, है ना। मज़ा आ जाएगा। लेकिन दीदी से फर्स्ट टाइम मिलूँगा ना। भैया से मिला था, दो तीन दिन साथ में था। अरे भैया मैं तो मिला भैया से, बहुत अच्छा लगा। दीदी से पहली बार मिला। दीदी गुड मॉर्निंग। मिला, बहुत मज़ा आ रहा। और इधर भी भैया बहुत अच्छे हैं, आते ही सम्मान दिए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। सम्मान देंगे तभी तो सम्मान लेने का हकदार रखेंगे। अरे आप, आपकी ऐसा सोच सभी का होना चाहिए। अरे सबकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी का तो इतना गर्मी हो रहा है कि क्या ही बताएं। बहुत गर्मी है, अभी उछल कूद भी कर रहा हूं। इतना गर्मी आपको पता नहीं। बहुत गर्मी है यहाँ पे। अरे उधर देखो छोटी वाली दीदी कैसे हैं, एकदम मस्त। हम ऑलटाइम मस्त है, बढ़िया। अपने जीजा जी को पूरा हंसाते रहते हैं ना। लड़ाई भी उतना ही होता है भाई, जरूरी भी है। पानी पिया? हाँ ये लीजिए। मेरे को पता नहीं था कि बच्चे यहाँ पे दो तीन है, सॉरी उसके लिए। तुमने गलती बोल दिया, बच्चे तो दो है लेकिन उससे भी बड़े बच्चे हैं जो वो रहने नहीं देंगे। ओके मेरा अंदर तीन चार बहुत सारा बच्चा है। बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। एडजी कर दिया क्या? मेरे अंदर पांच छह बच्चे बोल रही है भाई। ना मेरे अंदर एक है, हम ये बोला मतलब एक दो लोग, ये मेरा पूरा कुल के। दीदी क्या बोले? क्या बोलिएगा, ये बोला था। मैं अभी मैं इसको टाइमिंग बता रहा, इतना टाइम मुझे क्या पता कि तुम जाने वाली हो। बाबू आप भी बताइए, बहुत शाम में आते हैं। कोई बात नहीं, अभी एक दो घंटा रहेगा, तुम आ जाओ। शॉपिंग नहीं जाएगा, हम आते हैं शॉपिंग। यहाँ पे सामने ना मेरा लगा हुआ, बहुत दिन से जाने का मन है। अभी उठ भी गया, मछली पकड़ने तो नहीं जाएंगे ना। गजब को मार्केट में आप आग लगाए थे उस दिन। बाहर इतना गर्मी था कि क्या बताएं। एसी घर रूम में बैठे भाई, अलग फीलिंग दे रहा है ना भैया? एकदम बहुत अच्छा वाला फीलिंग है। और इधर मिला चाय कॉफी। बाहर तो गर्मी से हालत बेहाल है एकदम आज। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इधर तो सिर्फ पसीना गिरता है, हमारे उधर झारखंड में तो लू मारते है, इतना खतरनाक वाला लू की क्या ही बताएं। इधर लू नहीं चलता है लेकिन पसीना भी बहुत ज्यादा लू चलता है। इधर बहुत पसीना चलता है। मतलब तो झारखंड और बिहार तो पहले एक ही था, अभी तो थोड़ा एक ही है। हाँ। नहीं, तो एक पहले तो एक ही था ना 2000 में। हाँ। 2000 में चेंज हो गया। हाँ। बाकी इधर देखो भाई चाय मिला है मुझे। भैया थोड़ा गए हैं, दीदी गई है मार्केट, बस आ रही है, उसके बाद होगा। और मायरा अभी आ गई है ट्यूशन से। और मायरा को क्या मिला है अभी? चॉकलेट। मायरा का भैया ला के दिया है ना, दे देखो किससे, दे दो मुझे। थैंक यू, है ना। चलो खाएंगे इसको, ठीक है। ये मेरा रूम है। हाँ बहुत अच्छा रूम है ये, आपका रूम है ना बेटा। चलो बाहर खा लो, खाओ खाओ खाओ, कितना क्यूट है ना। बाकी आप लोग कमेंट करो, बहुत क्यूट है मायरा, बहुत सुंदर है मायरा, है ना। एक बार स्माइल करो, स्माइल स्माइल, वेरी गुड। खा लो इसे, खा लो, काटो एक बार काटो। मायरा सारा बात मानती है ना। चलो खा लो, अच्छे से खा लो। मायरा से मिलने के बाद इस बिल्डिंग के बगल में इस तरह का स्टेडियम है जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए आ गए हैं। देखो सभी को ही हम लोग खेल रहे हैं, इसी बिल्डिंग के अगल बगल के सारे लोग हैं यहाँ पे, सारे भैया लोग हैं। बाकी आपको राहुल भैया को भी देखने को मिलेगा इधर, और मैं इधर आपका भाई। एक ओवर दो बोलना, 10 रन। और
तो मैच तो भाई खेले पार्किंग में, देखे स्टेडियम बना हुआ, बहुत मजा आया। लेकिन 2 घंटे मैच खेले, अभी आ गया है रूम, फ्रेश हो गया है, अब जा रहे हैं सभी को खाना खाने के लिए। देखो कौन कौन सभी को बैठ के एक साथ खाएंगे, मजा आएगा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, ज्यादा नहीं, क्योंकि रूम सफाई हो रहा था ना। हाँ, नहीं तो फिर अभी खाना खाते ना, सबको अपना बेड ही पसंद है, जाके बेड में सोना है। आज दीदी बनाई है मस्त। नहीं नहीं हम नहीं बनाए भाई। कौन बनाए? आती है एक दीदी खाना बनाने। ओके मायरा, जब मतलब ये 1 तारीख से ही आ रही, पहले हम ही बना रहे थे। मायरा को फिर पढ़ा नहीं पा रहे थे, थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे थे, वीडियो से। फिर मायरा को ट्यूशन भेजो, उसके बाद मायरा के साथ एकदम 10 मिनट का टाइम होता था, उसमें उसको खाना ही खिला देते, मतलब 2 घंटा खाना खिलाने में बात भी नहीं उतना हो पाता। जाओ पापा को बोलो, जाओ। बट जो भी है, खाना देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी तो खाई नहीं होगी, आप तो पूरा भूखे होंगे। हाँ, मेरा खाना बहुत अजीब टाइम, हम सुबह से नहीं खाता, दोपहर का खाना थोड़ा बहुत खाएंगे और फिर रात में भी मन होगा तो खाएंगे, मतलब मेरा ऐसा। लेकिन दीदी खतरनाक वाला हिंदी बोलती है, कोई कोई किसी को अगर सीखना है तो प्लीज DM करे दीदी से। खाना रेडी है भाई, अभी चलो हम लोग सभी को फटाफट जाएंगे खाने के लिए। खाने बैठ जाओ, बहुत देरी हो। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्यार है, ये प्यार है ना। चलो सभी को हम लोग खाने के लिए बैठ गए, मजा आ रहा है, एक साथ बैठे हैं काफी दिनों के बाद। मम भी दीदी लेके नहीं खा रही है। हम बोले ना, इनसे पूछो, रात में बहुत कम खाना। अरे खा लीजिए ना थोड़ा सा। हाँ, ये तो ये हमको खिलाते हैं और ये पकड़ा बात है, मतलब ये खाते हैं ना दोपहर में चाहे रात में, तभी हम खाते हैं। ये आपको खाली में मैं छोड़ देता हूं, मैं इतना खाता नहीं हूं, खाते ही नहीं है। ये प्यार है लेकिन, जानते हैं, ये कूट कूट के भरा हुआ। हम बाला में बहुत मिस किए थे लेकिन। खाना पीना अच्छे से भी हो गया और फिलहाल अभी सोने के लिए आए हैं, क्योंकि 1 बज गया, सबको बैठ के पूरा बातचीत चल रहा था, तो अभी मैं फिलहाल सो रहा हूँ। बाकी वीडियो भी एडिट करना है, पोस्ट भी करना है, और बस अभी सो रहा हूँ। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।